रही है क्राइम स्टोरी। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में ड्राइविंग लाइसेंस के फर्जीवाड़े को रोकने व दुर्घटना करके भागने वालों पर नकेल कसने के लिए परिवहन विभाग के द्वारा सारथी 4 नामक सॉफ्टवेयर को पूरे देश में अपडेट किया जा रहा है। वहीं सिद्धार्थनगर में यह प्रक्रिया 16 फरवरी से शुरू हो जाएगी, जिससे कि कोई भी अपनी ड्राइविंग लाइसेंस को कहीं से भी बनवा उसका डिटेल कहीं भी देख सकते हैं, जिससे फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनने पर रोक लग सकती है। यह सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाने से लोगों को आ रही दिक्कतों से निजात मिल जाएगी। अभी तक जो ड्राइविंग लाइसेंस बनते थे वो केवल कागजों में दिखते थे, किंतु अब सॉफ्टवेयर के अपडेट हो जाने से सभी लाइसेंसों को कहीं भी देखा व जाना जा सकेगा। ARTO के शुक्ला ने बताया कि पहले सारथी 2 चल रहा था, अब इस सारथी 4 के आ जाने से लोगों को बहुत मदद मिलेगी, जिससे फर्जीवाड़ा रुकेगा। यह 16 फरवरी से अपडेट हो जाएगा। तब तक पूर्व के सभी कार्य 10 फरवरी से रुक जाएंगे और 16 फरवरी से यह सॉफ्टवेयर चालू हो जाएगा। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से संवाददाता धर्मवीर गुप्ता की रिपोर्ट। ये अभी तो वर्तमान समय में हमारे परिवहन विभाग में सारथी 2 के द्वारा कार्य हो रहा था। सारथी 4 जो सॉफ्टवेयर का वर्जन है ये पहले की तुलना में बहुत अधिक एडवांस है। प्रयोग के तौर पर 5 जिलों में यह सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। उसके पश्चात पुनः 9 जिलों में, पूरी यूपी में 9 जिलों में सारथी 4 सॉफ्टवेयर क्रियान्वित किया जा रहा है। इसमें अपना जिला सिद्धार्थनगर भी है। इसके द्वारा बहुत सारी सुविधाएं मिल पाएंगी। पहले तो जबकि ये यूपी के सारे जिलों में सारथी 4 सॉफ्टवेयर के अंत हो जाएगा तो सारे जिले आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा लोगों को जेल का पर्टिकुलर देखना, इसके जो चेकिंग अथॉरिटी हैं, एनफोर्समेंट अथॉरिटी हैं, पुलिस विभाग है, यदि वो कहीं किसी का DL देखते हैं तो तुरंत ऑनलाइन चेक कर पाएंगे कि DL सही है या फर्जी है। इसके अतिरिक्त किसी का कभी किसी कोई लखनऊ में डील बनवाया हुआ है वो सिद्धार्थनगर में रह रहा है, अभी रिन्यूअल के लिए उसको लखनऊ जाना पड़ता है, जबकि यह व्यवस्था हो जाने पर वो कहीं का भी DL है, इसे लखनऊ का ही है, सिद्धार्थनगर में, मिर्जापुर में, इलाहाबाद में, कहीं भी उसका रिन्यूअल हो जाए।